कतिया बिरयानी। चलिए देखते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया 1 किलो चिकन, ये धनिया, ये प्याज 3 से 4, हरी मिर्ची है 7 से 8, पुदीना, 3 टमाटर। इसे हम दरदरा पीसेंगे मिक्सी में कुछ इस तरह। 1 कटोरी में मैंने 1 घंटा पहले काजू, बादाम, नारियल, खसखस, छुहारा, इसको मैंने पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रखा है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी तेल, फिटी हुई दही 1 कटोरी, हरी मिर्च 2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 6-7 बड़ी इलायची, 1 जायफल। इसको मैं दरदरा पीसूंगी। उबले हुए आलू है जिसमें मैंने कलर मिलाई हूँ। जो हमने दरदरा प्याज पीसा था, टमाटर और हरी मिर्च, वो मिक्स करेंगे इसमें। जो काजू किशमिश बादाम पीसा था वो है, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल, दही, नींबू का रस, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर जो मैं भूल गई हूँ आप डाली हुई 1/2 चम्मच। अब हम चिकन को मीडियम आंच पे पकाएंगे। देखिए अब ये चिकन तैयार हो रहा है, लेकिन इसे 10 मिनट और मैं पकाऊंगी। हमें हमारा चिकन रेडी हो गया। अब ये गरम पानी में डालेंगे खड़े गरम मसाले, सौंफ, छोटी इलायची, लौंग, जायपत्री, जायफल। खौलते हुए पानी में नींबू हमने डाला है ताकि चावल हमारे खिले खिले रहे। चिकन रेडी हो गया है, अब इसको हम हटा देंगे। 1 किलो बासमती चावल हमने लिया था जिसे 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था। खौलते हुए पानी में अब हम चावल को डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 2-3 बूंद तेल ताकि हमारा चावल खिला खिला रहे। चावल को मुझे 70% तक पकाना है। ये चावल देखिए कितना खिला खिला है। अब हम बिरयानी को लेयर बाय लेयर तैयार करेंगे। पहले हम चावल डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे। 1 बार में ज़्यादा चावल मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। फिर आलू को हमने फ्राई करते समय क्योरे वाटर डाल चुके थे। चिकन लेंगे, इसमें थोड़ा सा डीप फ्राई, ये प्याज हमने पहले से डीप फ्राई करके रख लिया था, इसमें डालेंगे एक बार प्याज। फिर इसमें हम डालेंगे ये चावल, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जायफल और बड़ी इलायची को हमने पीस लिए थे मिक्सी में, फिर ये थोड़ा सा ऐसे डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए, फिर मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में हम 1 ढक्कन क्योरा वाटर डालेंगे, डीप फ्राई प्याज डालेंगे, फिर अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे सिल्वर फॉयल से पैक करके दम के लिए रखेंगे। मेरी मामा ने मुझे सर्व करके दे दिया, मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बना है। आई होप दैट यू लाइक दिस रेसिपी, और इस रेसिपी को आप सब अपने घरों में ट्राई करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अलीजा'स मॉम।
किचन। बाय।